मनुष्य प्रभु का वर्णन करने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, इसलिए उसने ये किया। और उन पंक्तियों में जो नित्य आपके सामने पड़ी जाती है, राम कृपा संयमयन विषय कयासा रघुपति भगति सजीवन मुनि अनुरूपान श्रद्धामति पूरी ये विधि भले सुरोगन सारी नान तज संकोटि नहीं जाई। शरीर में जब हमारे आपके रोग होता है तो कितनी अशांति, कितनी पीड़ा और कितने बड़े दुर्भाग्य की अनुभूति होती है कि व्यक्ति के समक्ष भोजन है पर वो भोजन पचा नहीं सकता, शैया है पर उस पर निद्रा आनंद नहीं ले सकता है। और मनुष्य के शरीर में जब रोग होता है और व्यक्ति इतना बेचैन हो जाता है तो भला जब मनुष्य का मन रोगी होगा तो व्यक्ति चाहे जिस ऊंची से ऊंची वस्त को संसार में पाले लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हो सकती, अशांति दूर नहीं हो सकती। मन के रोगों को नष्ट करने की पद्धति क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में जो चिकित्सा की पद्धति बताई गई है तो शरीर के संदर्भ में भी चिकित्सा की अनेक पद्धतियां आज भी है। किसी को कई व्यक्ति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोग की चिकित्सा करते हैं और कई लोग अपने आप को स्वस्थ करते हैं, तो वो होम्योपैथी या आयुर्वेद या अन्य जितनी प्राकृतिक चिकित्सा वो चिकित्सा की अनेक पद्धतियां और वो सभी के द्वारा किसी न किसी को लाभ होता है। पर ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों ने भी महापुरुषों ने भी मनुष्य के मन को रोग मनुष्य के मन के रोगों को दूर करने के लिए अनेक पद्धतियां बनाई। योग की पद्धति से मन के रोगों को दूर करने की चेष्टा, ज्ञान की पद्धति से मन के रोगों को विनष्ट करने की चेष्टा, अथवा निष्काम कर्म योग के माध्यम से मन के रोगों की चिकित्सा, अथवा भगवान की शरणागति के द्वारा मनुष्य रोगों की चिकित्सा, इस तरह से अनेक अनेक पद्धतियां। और वो समय जिसे कभी कभी कहा गया, पूछा गया कि बड़े आग्रह से प्रत्येक व्यक्ति कहता है और आदमी अद्वी योग है जो जिस चिकित्सा का पंडित है वह अपनी चिकित्सा का ही प्रयोग नहीं करता, वो दूसरे चिकित्साओं की हंसी भी उड़ाता है, खंडन भी करता है, कहता है इस पद्धति में। पर गौतमी से पूछा गया कि इसी प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने मनुष्य के मन की समस्याओं का समाधान देने के लिए अनेक मार्ग बताए, अनेक पद्धतियां बताई और कभी कभी दिखाई देता है कि उन्होंने परस्पर खंडन भी किया। ये जो आचार्य परंपरा है, आचार्य परंपरा में तो वो अपने मत का समर्थन करते हैं और समर्थन करने के बाद दूसरे के मत का खंडन भी करते हैं। तो गोस्वामी जी से प्रश्न किया गया कि आपकी दृष्टि में इनमें से किसे हम श्रेष्ठ माने, किसे सही माने? तो गोस्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये दिया जो उन्होंने कहा कि सब सत्य, वो जितनी हैं जो आचार्य कहते हैं वो सभी बातें किसी न किसी किन्हीं किन्हीं अर्थों में किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के लिए सही। सत्य झूठ कौन नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ये सही है और ये असत्य है, ये होता है। हाँ ये है, उन्होंने एक दूसरा सूत्र दिया कि प्रीति प्रतीति जहाँ जाती सहसा को कार्य सब। मूल सूत्र यह है कि जिस चिकित्सा की पद्धति पर
आत्मविश्वास है, या जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर या वैद्य है, जिस पर आपको भरोसा है, तो स्वाभाविक है कि विश्वास पूर्वक जब आप किसी की औषधि को स्वीकार करते हैं तो आपके मन में स्वयं एक विश्वास की शक्ति होती और उस व्यक्ति के आदेशों का भी आप यथाशक्ति पालन करने की चेष्टा करते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि आपका जिस आपके अंतःकरण और संस्कार में जिस चिकित्सा की पद्धति के प्रति महत्वबुद्धि हो, विश्वास हो, आप उससे सफल हो सकते हैं। आप उसको यदि उससे लाभ होता है तो दूसरे को ये कहने का क्या अधिकार है कि वो व्यर्थ की चिकित्सा पद्धति है या वो सही चिकित्सा की पद्धति नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने और हमारे शास्त्रों में गोस्वामी जी का जो मत है वो तो आचार्य परंपरा से थोड़ा भिन्न है। ये हमारे यहाँ की दो परंपराएं हैं, आचार्य परंपरा और संत परंपरा। तो आचार्य परंपरा में एक का समर्थन और दूसरे का विरोध है और संत परंपरा में सबका सामंजस्य है। पर अंततो लगवा तो व्यक्ति को एक चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए रामायण में जिस चिकित्सा की पद्धति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया वह है कि जो पंक्तियां अभी आपके सामने पड़ी और उसमें आयुर्वेद की पद्धति से आयुर्वेद शास्त्र की रोगों के संबंध में जो मान्यता है कि वैसी मान्यता को स्वीकार करते हुए तथा मुस्लिम जी ने समाधान किया। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता से आप में से अनेक व्यक्ति परिचित होंगे, अनेक नहीं भी होंगे, पर आपने देखा होगा कि जब आप किसी वैद्य को बुलाते हैं तो साधारण आयुर्वेद की पद्धति ऐसी नहीं है कि वो रोगी से केवल ये पूछे कि तुम्हें क्या कष्ट है, ये भी पूछते हैं, ये भी उन्हें बताया जाता है। पर आपने देखा होगा कि वैद्य बौधा बाद में या पहले जो रोगी होता है उसकी नाड़ी और उनकी मान्यता आयुर्वेद शास्त्र की ये है कि उस नाड़ी को उन्होंने उस नाड़ी के माध्यम से उनसे पता लगाते हैं इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है और दूसरा पता ये लगाते हैं कि इसकी प्रकृति इस समय कौन सी हो गई और तब वो रोग की दवा निश्चित करते हैं। और इसका अभिप्राय ये है कि आयुर्वेद में बिना रोगी को देखे रोग की दवा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत पहले प्रसिद्ध वैद्य थे सत्यनारायण शास्त्री, बहुत काशी के और देश के बड़े ख्यात चिकित्सक थे। मुझे स्मरण आता है कि उस समय मैं उनकी चिकित्सा में था, उस समय कलकत्ते के कोई बड़े समर्थशाली व्यक्ति वहां आए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को दमा हो गया है, श्वास का रोग है, उसको आप दवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि रोगी कहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं रोगी को रोग नहीं आ सके हैं पर वो रोग को मैं आपको बताइया। तो उन्होंने ये कहा जो शुरुआत के साथ ये है कि मैं रोग की दवा नहीं देता, मैं रोगी की दवा करता हूं। तो अगर जैसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उसमें रोग है, रोग की दवाएं है, तो आयुर्वेद में ऐसा आयुर्वेद की मान्यता नहीं। होम्योपैथी में भी आप ये जानते हैं वहां पर जो रोग की दवा नहीं दिया तो वो पहले लक्षणों के विषय में प्रश्न करते हैं और अनेक प्रश्न पूछते हैं कि जिसके द्वारा रोगी की प्रकृति का पता चले और तब वो रोग यदि एक भी हो पर अगर रोगी की प्रकृति में भिन्नता है तो उसको दवा भी मिल जाए। और आयुर्वेद शास्त्र के लिए यही मान्यता कि दिखाई तो दे रहा है बाहर तो एक रोग पर वो जो रोगी है उसकी प्रकृति भिन्न है और प्रकृति भिन्न है तो एक ही रोग दिखाई देने पर जब उन्हें दवा दी जाएगी
तो दवा ऐसी दी जाएगी कि जिसके द्वारा उसकी प्रकृति का निर्णय करेंगे कि इसके लिए कौन सी दवा उपयोगी होगी। और उसका अभिप्राय मानो ये है कि अब किसी व्यक्ति को अगर कब की प्रकृति है और मान लीजिए उस व्यक्ति के का पित्त जो है उष्ण है, उसे जलन होती है। अब अगर कोई शीत औषधि दी जाए कि जो औषधि पित्त को तो शांत करे और कफ को बढ़ा दे, शीतलता के कारण तो रोगी के लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं हो सकता। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र का इस पर बड़ा आग्रह है कि पहले रोगी की प्रकृति का निर्णय कीजिए और उसके बाद फिर उसके लिए औषधि की व्यवस्था कीजिए। रामचरित मानस में भी इसी सूत्र को स्वीकार किया गया। गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए आवश्यकता है कि अगर रोग की दवा निश्चित होती तो आप दे लेते, पर रोगी की प्रकृति जो है उसका ज्ञान जिस व्यक्ति को हो तो वो व्यक्ति सही सही निर्णय कर सकता है कि इसके लिए कौन सी दवा लाभदायक हो। और ये बड़े महत्व का सूत्र है चिकित्सा के संदर्भ में। और इसका अनुभव तो बहुत बार होता है, ये दवा एक व्यक्ति को अनुकूल है, दूसरे के लिए शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कभी कभी तो होता है कि अनुकूल प्रभाव कौन कहे बुरा प्रभाव हो जाता है। तो मानो साधना के संदर्भ का भी शक्ति है। आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु पहला कार्य यही करेगा कि वो उस रोगी की प्रकृति का निर्णय करेगा। के रूप में मानस में कुछ एक संस्मरण चित्र आपके सामने प्रस्तुत करो। जैसे भगवान ऋषि अवतार, भगवान अवतरित होते हैं, पर अवतरित होने के बाद भगवान राम के चरित्र की एक भूमिका वह है जो अयोध्या में संपन्न होती। बड़े आनंद और रस की लीलाएं भगवान राम वहां पर कर रहे हैं। बाल चरित्र हरि भाव लिखी जाती है, अति आनंद दातन कर दीना। तो भगवान श्री राम नन्हे शिशु के रूप में दशरथ जी के आंगन में पीड़ा करते हैं। तो मंगल भोर अमंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। भगवान श्री राम किशोरावस्था में घर चारों ओर नगर में भ्रमण करते हैं, प्रवासियों से मिलते हैं। पर वहां पर एक सूत्र आता है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप उसको बहिर्ग दृष्टि से देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक बालक जो है उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो गुरु के सन्निकट जाना चाहिए, गुरुकुल में जाए। ये उत्कृष्ट परंपरा प्राचीन काल में थी। तो भगवान श्री राम ने भी उस परंपरा का पालन किया। अब यो देखें आज के युग में होता है कि नहीं, जो समर्थ है उनके पुत्र किसी गुरु के समक्ष जाए, ऐसा न हो सके। जो शिक्षक होता है उसे बुलाया जाता है, पर वो एक अंतर तो है। शिक्षक को बुला करके शिक्षा पाने में और शिक्षक के यहाँ जाकर के शिक्षा पाने में तो फिर सूत्र तो फिर वही जितना वैसी आज गुरु परंपरा है और वैसी दोनों में तो उस प्रकार से उत्कृष्ट ज्ञान में शिक्षक तो बहुत संख्या में नहीं मिलती। जो पात्रता चाहिए मूल तात्पर्य यही है। और आप जब किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण पात्र है। दूध बहुत अच्छा, बड़ा स्वच्छ, लेकिन अगर आपका बर्तन जिस बर्तन में आप लेते हैं अगर वो फूटा हुआ है तो क्या हो? आपने उधर दूध लिया उधर को धीरे धीरे भर गया। अथवा खेत नहीं भी है और बर्तन में अगर कोई गंदगी कोई घटास है तो आप दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। तो इसका लगता है कि वस्तु के साथ साथ पात्र का भी महत्व कम नहीं। तो आप वो पात्रता के प्रति आज हमारी दृष्टि हो सकेंगे। हम मान लेते हैं कि वो अध्ययन तो पुस्तक के द्वारा होगा और जो पुस्तक पढ़ा देता है वो हमसे ग्रहण करेंगे, पर ग्रहण करने के लिए पात्र बनना है,
और संकेत का मूल तात्पर्य क्या कि बर्तन पहले तो खाली हो, एक बात तो होनी चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि चाहे आप किसी शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करें और अथवा किसी गुरु और महात्मा से शिक्षा प्राप्त करें, अगर आप भरे हुए आपको अपनी विद्वत्ता पर विश्वास है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है, तो फिर वो आपका बर्तन ही जब खाली नहीं है तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो देखा था बिगड़ मुझे अवसर मिलता है। छोटा आते हैं और अनेक प्रकार के आते हैं मेरे सामने, वो मैं थोड़ा अनुभव करते करते देख समझ लेता हूँ। कई एक आते हैं कि मेरे मन में ये संशय है और इसका मैं समाधान चाहता हूँ, तो मैं ये समझने की चेष्टा करता हूँ कि ये व्यक्ति पहले से उत्तर ले भी आया है, ये उत्तर पाने आया है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले से ही उत्तर उनके मस्तिष्क में होता है, और उत्तर जब मस्तिष्क में होता है तो वो केवल योग्यता की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि वो ये जो व्यक्ति है वो कितना योग्य है। और उत्तर से संतोष उनको तब होता है कि जब कोई उत्तर दिया जाए तो उनके मस्तिष्क में बैठे। वैसे मान भाव से तो मैं पहले यही पूछता हूँ कि आपने भी तो सोचा होगा, आपको क्या लगता है? वो बड़े विस्तार से बताते हैं तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक क्यों कह रही था। मैं जानता हूँ कि जब वो पहले से ही उसको निश्चय है कि यही उत्तर है, तो ऐसी स्थिति में आप बेचारे हर क्या करें, उसमें योग्यता को भरी हुई है। और उसका अभिप्राय यही है कि वो रामायण में सूत्र आता है, रामायण में हमारे शास्त्रों में दो शब्द है, जिज्ञासा और परीक्षा। तो परीक्षा में भी प्रश्न किया जाता है और जिज्ञासा में भी प्रश्न किया जाता है, पर एक अंतर है कि गुरु होता है परीक्षक और शिष्य होना चाहिए जिज्ञासा। प्रश्न दोनों करते हैं पर दोनों में अंतर है, पर दोनों में अंतर है तो स्वाभाविक है। जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो प्रसंग आपके सामने आ रही है कि सती जी के भगवान शंकर के समझाने पर भी जब सती जी के समझ में बात नहीं आई तो भगवान शंकर ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो जाए परीक्षा, अगर आपके मन में इतना संशय है तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं देते। उसका अभिप्राय क्या कि अगर आपके मन में संशय होता तो मेरे कहने से आपका भ्रम उठ जाता। मैं आपको समझा रहा हूँ पर मेरे समझाने में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिज्ञासु तो नहीं है, आप तो परीक्षक ही है, और परीक्षक है तो आप जाकर के स्वयं परीक्षा ले लीजिए। और सती जी भी जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान श्री राम ने उन्हें देख करके जोड़ी पांच सौ की प्रणाम, भगवान राम को सती जी प्रणाम करें कि सती जी भगवान राम को प्रणाम करें। भगवान राम ने प्रणाम क्यों किया? नियम तो यह है कि जिज्ञासु को चाहिए, जो जानना चाहता है वो प्रणाम करे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो तो कर विधि प्रणिपाते पहले जाओ तो प्रणाम। वो प्रणाम करने का भी अर्थ यही है, देखिए अगर सिर पर कोई वस्तु हो खाली है तो ठीक है धारण कर लीजिए, पर अगर कोई चीज लगी हुई है तो जब आप प्रणाम करेंगे तो ऊपर से तो नीचे मिल ही जाए। अभिमान तो सिर पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, प्रणाम करने का अर्थ है पहले अभिमान को नीचे डाले। यह है प्रणाम करने का अभिप्राय। भगवान श्री राम ने प्रणाम करके देवी किया, पूछ सकते हैं सत्य सती जी की बहन आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? सारा संसार आपको प्रणाम करता है, तुम्हारे पति देवों ने भी आपको प्रणाम किया, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हो? तो भगवान का तात्पर्य है कि भगवान शंकर अपने को जिज्ञासु मानते हैं तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया, और आप परीक्षक हैं तो मैं तो विद्यार्थी ही हूँ तो मुझे को तो प्रणाम करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। तो कई सूत्र दिए गए, उन्होंने कहा पृष्ठक करते से दूर हो गया, कोई पूछ नहीं रहा है और आप बलात्कार सुनाए जा रहे हैं, बलात्कार का ज्ञान
उसके सिर पर ला रहे हैं, उसके डरने में बैठाने जाते हैं, ठीक नहीं। अच्छा मेरा देखो कोई उसी से दूर कर देना चाहिए कि नहीं उधर ना कब बोले ना कृष्ण तब से जब कोई यार नजर नहीं आया ना कृष्ण का, अगर वो दिन पूर्वक प्रश्न नहीं करता तो बनता ऐसा लगता है पहले से ही उत्तर उसके मस्तिष्क में, और उसके बाद वो खंडन के लिए ही आया हुआ। आप कुछ कहें और आपकी बात कहते तो व्यर्थ ही समय को नष्ट करना है। तो शास्त्र कहते हैं ना कृष्ण प्रसिद्ध पूजा तो जाए जाए कृष्ण का, बस अभिप्राय यह है कि पहले तो हमें पात्र बनना होगा, और जब हम संकेत आते हैं भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने का यह अभिप्राय यही है। अब संकर देखेंगे ना भगवान शंकर भी रावण भी भगवान शंकर की पूजा करता है और भगवान राम भी शंकर जी की पूजा करते हैं, भले करता है। भगवान राम ने तो कभी भी जब पूजन किया तो यही गंगा स्नान प्रभु ने किया और मिट्टी लेकर जो शंकर जी की मूर्ति बनाई और पूज्य पार्थिव बनाया हुआ था भगवान शंकर को, तब प्रणाम किया उनका पूजन किया। और यहाँ तक कि लंका पर जब युद्ध आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत है फिर भी आप वहां पर मूर्ति की ही स्थापना करके शंकर जी की पूजा करते, और दूसरे लोग रावण जी की पूजा करता है पर वो पार्थिव मूर्ति की ही पूजा करता है, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता। उसने भगवान शंकर से कह दिया कि महाराज मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, अब आपके पास तो कोई काम काज नहीं आके पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो उसका कोई गुरु का अंत नहीं है, उसी का अंत है, और इसलिए शंकर जी ने भी कहा अच्छा मैं आ गया, पूजा तो सब लोग करते हैं, अगर मैंने भी वैसा किया तो मेरी क्या विशेषता, पूजा में भी मेरी विशेषता होनी चाहिए, पूजा का महत्व नहीं है, लोगों से मैं अलग हूँ भिन्न हूँ ये अहम लेकर के। और जब अहम लेकर के तो बड़ी मीठी बात कही गई, इसीलिए कहा भला है कहा जाता है कि हनुमान जी 11वें रुद्र है, तो भला उन्होंने रावण के रुद्र भगवान राम के साथ रह करके रावण से युद्ध किया, रावण को श्रीलंका जला दिया, ये क्या पूजा का फल हुआ। तो संस्कृत में उत्तर दिया गया बड़ा सांकेतिक, उन्होंने कहा भाई आप 11 व्यक्तियों को बुला रहे और 10 को भोजन कराए और 1 को न कराए तो दुरुस्त नहीं होगा क्या अपमान। तो उन्होंने कहा कि रावण ने शंकर जी की पूजा करने के लिए रुद्र का आवाहन किया तो रुद्र है 11 और श्रद्धा 10, तो 10 की पूजा किया और 1 का अनादर कर दिया तो वही रुद्र जो है हनुमान जी बन करके रावण को कर चले। अगर 10 सिर के साथ साथ रावण 11वां अपना अहंकार भी काट के चढ़ा देता तो पूजा हो जाएगी। बढ़िया बात, अगर उसने 10 फिर के साथ अपना अहंकार भी आज आपकी मैं क्या पूजा करूंगा, वो तो आपकी ही वस्तु है, उसको मैं अर्पित कैसे कर सकता हूँ, अगर ये अनुमान का परित्याग कर दे रावण तो पूजा सार्थक हो जाए। इसलिए बहुत बढ़िया बात है, वैसे भगवान शंकर जो है सिर्फ बदलने का बड़ा उपयोग करते हैं, अपने ससुर दक्ष का भी सिर्फ बदल दिया, बदले का सिर जोड़ दिया, अपने बेटे का गणेश उनका भी सिर बदल करके हाथी का सिर दे दिया, पर रावण का सिर उन्होंने नहीं बदला, रावण ने सिर चढ़ाया और तुरंत नया हुई 10 का 10 सिर आ गया, इतना बड़ा व्यंग है। रावण प्रसन्न हो गया कि मुझे वरदान दे, वरदान में व्यंग ये है कि अब तुम्हें हम अपना सिर दे अपनी बनाया सिर दे तो तुम्हें तो अपना ही सिर सबसे श्रेष्ठ लगता है, अपने से बढ़ के तो तुम किसी को बुद्धिमान मानते नहीं हो, तो लोग तुम्हारा दे रही तुम्हें वापस कर, यही रावण के जीवन की विडंबना है, इसका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कह दीजिए। तो मानो उसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जो है ये जो प्रक्रिया है अभिमान शून्य होने,
विद्यार्थी गुरु के पास गया, रावण भगवान राम क्या चिंता जी को नहीं बुला सकते हैं क्या? शीतल जी को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं क्या? जो आया जा पा करके मुझे ले लीजिए। भगवान राम तो यही कहते हैं, जब मैं कैसे बुलाऊं और बुलाने की आवश्यकता भी क्या है, भगवान शंकर तो घर घर में व्याप्त है, इसलिए मैं जहाँ पर उनकी पूजा करूंगा, जहाँ मैं उनको अर्पण करूंगा, वही कृपा करके स्वीकार कर लेंगे। तो मां को पूजा में जो विनम्रता है, विलम्ब है, निर्भिमानी है, तो पत्र है, शिक्षा देखी वही बात है, बुद्धिमान धनवान या श्रेष्ठ बन करके शिक्षा प्राप्त करना ग्रंथ पुस्तक पढ़ सकता है, लेकिन वो पात्रता जो निर्भिमानता के द्वारा आती है वो नहीं है। इसलिए वो संत जी भगवान राम मानो एक संकेत कहा जा सकता है। अच्छा, गुरु वशिष्ठ तो जानते थे कि भगवान राम ईश्वर है, तो भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास क्यों गए? भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा, पर वस्तुतः तो गुरु ही सबसे बड़ा है। और भगवान राम के प्रसंग में ये संकेत आता भी है तो मुझे अधिक गुरु ही दी जाए। भगवान का अभिप्राय यह है कि नाना मैं भी गुरु के आश्रम में जाता हूँ, और बात कोई बनता नहीं है सत्य, क्योंकि ईश्वर है और होने पर भी अगर हमारे अंतःकरण की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, हमारे मन के रोग दोष अभिमान ईर्षा और निवृत्तियां नहीं उठ रही है, तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की उपस्थिति मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो, और तब उसका समाधान गुरु के द्वारा होता है। वो दोहा जो आपने सुना ही होगा कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसके किसको प्रणाम करें? तो भक्त तो यही कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, जो बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दियो लखा है, इसलिए गोविंद को हम प्रणाम पहले नहीं करेंगे कि गोविंद गोविंद है तो मैं पहचानते नहीं। जब गुरुदेव ने कृपा करके दृष्टि दिया तब ना गोविंद गोविंद के रूप में समझ में आए, इसलिए मैं तो गुरुदेव को ही पहले प्रणाम करूंगा। और ये संकेत आपको मिलेगा रामायण में पार्वती जी के प्रसंग, पार्वती जी देवर्षि नारद की शिष्या है और उनसे जो उन्होंने मंत्र ग्रहण किया है उसी के आधार पर भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों ने भेजा, और सप्तर्षियों ने पहले तो पूछ दिया कि और आप किसकी आराधना कर रही हैं? क्या था पार्वती जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सुनकर हंसी आ गई, वो मेरे से पहले से जिसके लिए प्रस्तुत है, कोई व्यक्ति हंसी भी उड़ावे तो प्रस्तुत है उसके लिए, उन्होंने कहा मैं जो बात कह रही हूँ उससे सुन के आप हंसेंगे, हंसिया सुनी हमारे बोले चाहिए सदा से नहीं बनता है, मैं भगवान सदा शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। महात्मा हस्पट जितने बड़े बड़े महापुरुष और एक साथ हस्पट है तो मैंने क्या है ऐसी विशेष बात कह दी, और उसने हंसते हुए पूछ दिया तुम्हारे गुरुदेव कौन है, इस गुरु से दीक्षा लेकर के साधना कर रही हो? महाराज देवर्षि नारद। और हंस अच्छा अच्छा तुम जानती हो वो तुम्हारा गुरु कैसा है? मन कपटी धन सज्जन चीना। महाराज लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, बोले तुम ये बात ध्यान रखो कि जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो उससे उस विषय का सम्मति लेनी चाहिए। अब हम सप्तर्षी है, हमारी पत्नियां है, विवाह हुआ तो विवाह के प्रसंग में हमसे सम्मति लेना तो सार्थक, वो बाल ब्रह्मचारी जिसने विवाह कभी किए नहीं तुम्हें वही गुरु मिला था, अपने लिए पति पाने के लिए तुमको वही गुरु बनाना चाहिए था, तो संगत में रही है और कह दिया वो गुरु ऐसा है कि वो तो बड़ा ब्रह्मचारी है, और वो जब ये देखता है कि कोई विवाह आदि करना चाहता है तो अच्छा तो लगता नहीं, तो वो ऐसा उपाय कर देता है कि विवाह या तो हो ही नहीं और हो तो ऐसी खटपट हो कि अपने आप विवाह व्यक्त हो जाए, इसलिए मैंने कपटी तो आप सभी चाहिए
और बता दिया तो उसका इतिहास जान लीजिए अपने गुरु का क्या दक्ष के दक्ष सुतनों को जैसे न जाई कुलचिन भवन में देखा दक्ष के यहाँ जाकर के ठहर गए ऐसा प्रसन्न किया कि मेरे सारे बच्चों को भी बैठ लिया चित्र के तू का घर वो खाना चित्र के तू के यहाँ गए उनके यहाँ पर वही स्थिति उत्पन्न कर दिया कनक कसिप कर दुनिया संभाला क्या पहुंच गए तो प्रहलाद का मस्तिष्क खराब कर दिया ऐसा है तुम्हारा और कहते वचन मान विश्वास है और तुम सब कहते पति कैसा चाहिए जो स्नेह है अनुरागी हो तुम जानती हो जिसको पति के रूप में पाना चाहती हो उसका स्वभाव कैसा है पर तुम चाहो पति सहज उदासा तो सहज भाव से उदासी है तुम्हें ये भी पता है पहला विवाह नहीं एक बार दोनों की निंदा की गुरु की भी निंदा की फिर जिसको पाना चाहती है उसकी भी निंदा कर दिया तो जो एक विवाह इनका पहला हो चुका पहली पत्नी के साथ क्या व्यवहार हुआ तुम्हें पता है और तब उन्होंने कहा कि देखो तो उन्होंने सती बेचारी को ऐसा कष्ट दिया जो पति के पिता की घर पे जा करके उसने फिर गुजरा लिया और फिर उसके बाद भी बड़े प्रसन्न है आजकल क्या कर रहे हैं हमसे या मेरे अब सुख सोवत सोच रहे भीख मांगने पाता बड़े निश्चिंत हो गए पत्नी रहती है तो कुछ करो 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 लगाए रखते संस्कृत साहित्य में इसको लेकर के बड़े शंकर जी प्रबंध किए गए हैं कि देवी कहती है कि मेरा कुछ तो कीजिए नौ तो हल बलराम जी से मांग लीजिए बैले आपके पास सही है नौ तो रंगराज से वैसा ले लीजिए और तो कुछ कीजिए संस्कृत साहित्य में अनेक व्यंगात्मक लोग आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि बड़े निश्चिंत है भूख लगती है तो रिक्शा मांग लेते हैं रात को सो जाते हैं अब तुम करोगे विवाह तो परिणाम क्या होगा एकाकी रहते हैं ये भी नहीं कि पति बुरा हो और चलो सास ससुर अच्छे न सास न ससुर न कोई परिवार तो सहज एकाकी के भव कबहु किनारे खाए ऐसा व्यक्ति ऐसे एकाकी व्यक्ति के अंदर स्त्री की क्या दशा होगी और फिर कहा कि यह समझ रहा है कि हम केवल खंडन कर रहे हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कहा अति सुंदर शंकर जी ने नौ अवगुण बताए विष्णु भगवान ने नौ गुण बता दिए अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला सारे वेद दास जस लीला और सब गुण इस श्रीपति पुर वैकुंठ निवास और साथ साथ उस वर को पाने के लिए तुम तपस्या कर रहे पर मेरी बात मान लो तो विष्णु भगवान स्वयं आने और तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव करें तुम इस चक्कर में कहां पड़ गई और उन्होंने जब कह दिया उसको साधना के संदर्भ में देखें जैसे हमारे यहाँ भगवान के अनेक अनेक रूप बताए गए या जो उनकी शक्तियां हैं उन शक्तियों से विभिन्न रूप बताए गए और उनमें भी प्रश्न फिर यही आता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ पर वो वस्तुकार तो सोचने की तो सही पद्धति है और उसका अभिप्राय यह है ये जो रूपों की वर्णन किया गया है इसके मूल में जो धारण करने वाला व्यक्ति है का उसकी प्रकृति का वही महत्व है जिसके संदर्भ की चर्चा आपके सामने की जा रही थी जो सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति क्या है और इसीलिए आप देखेंगे कोई रूप परम सौम्य है कोई रूप अत्यंत उग्र है कोई रूप में अत्यंत श्रृंगार है और किसी रूप में पूर्ण वैराग्य है और उसका मूल अभिप्राय यह है कि आप अपने इष्ट के संदर्भ में अगर इस चक्कर में पड़े
कि कौन श्रेष्ठ है, तो खोजते रहिए, जीवन भर श्रेष्ठता की चिंता करते रहिए, और फिर वो आपकी श्रेष्ठता कब कहां बदलेगी। तो रामायण में कहा, भुसुंडी जी ने जो अपने कथा गौर जी को सुनाई, उस कथा में भी इसी की ओर संकेत। इसका अभिप्राय कि हमारे आपके जीवन में हम इस इष्ट देव को स्वीकार करें, और कोई प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता का अर्थ जैसा भुसुंडी जी ने पहले जन्म में लिया था कि अब राम इतने महान ईश्वर होते तो उनके नगर में कैसे अकाल पड़ता। तो तुम प्रश्न ठीक लगता है, तो श्रेष्ठ कौन है? अब अकाल हुआ तो वहां से निकले और मालवा प्रदेश में उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन के चारों ओर खेती बड़ी हरी भरी, बस लगा कि बस यहाँ के देवता शंकर ही से। अब मान लीजिए कभी उज्जैन में अकाल पड़ जाए तो कहाँ चले जाएंगे? प्रकृति का जो सूत्र दिया गया है, प्रकृति के उस ऐसे नियम है, उस नियम के संदर्भ को आप दृष्टिगत रख करके ये मान्यता आप जब मन में पाल लेंगे कि हम अगर किसी इष्ट देव को की पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, कोई दुर्घटना भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बात सही नहीं समझ पाते। तो किसी अनुकूलता और प्रतिकूलता तो जीवन में आती ही है। कालचक्र तो आप जानते हैं, ऋतु क्या परिवर्तित नहीं होती है? क्या ऋतुएं नहीं बदलती है? क्या जब ऋतुएं बदलती है आपके जीवन में घटनाएं बदलती है तो वो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। पर भुसुंडी जी ने यही निर्णय कर लिया कि अकाल पड़ गया तो भगवान के स्थान में, मानो यही भुसुंडी जी की त्रुटि। और आगे चल करके देखेंगे कि अंत में वही भुसुंडी जी श्रीराम के भक्त बन गए। अब वो श्रीराम और श्री कृष्ण या शिव या दुर्गा, उसका मूल सूत्र यही है कि आप इस चिंता को छोड़ करके कि कौन से भगवान श्रेष्ठ है, आप अपने आप में निर्णय कीजिए कि आपकी प्रकृति से सामंजस्य है, उसका आप बहुत विश्लेषण नहीं करेंगे, उसमें बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पर इन वस्तुओं का भी विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा जैसे किसी की अग्नि प्रकृति है और वो ऐसे रूप का ध्यान करे कि जो जल प्रकृति का हो, तो दोनों में विपरीतता है। अब अग्नि है और वायु है तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, इस पर बहुत विश्लेषण करना भी नहीं। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये वस्तुतः श्रेष्ठता और कनिष्ठता भगवान में नहीं, तो श्रेष्ठता और कनिष्ठता तो मूल सूत्र वही है कि हमें कौन से भगवान की आवश्यकता है, भगवान के किस रूप की आवश्यकता है। दुर्गा के अनेक रूप है, कोई उग्र रूप है, कोई शांत रूप है, कोई मनोरम रूप है, पर श्री सीता जी श्री राधा जी ये सब इस सब जो है, आप जब हम सही अपनी प्रकृति के अनुकूल रूप का ध्यान करते हैं तो हमारी साधना है वो कलशा आगे की ओर बढ़ती है। तो ये जो निर्णय करना है प्रकृति के संदर्भ में, ये उपासना का जो तत्व है, इसका निर्धारण जो है वो कौन करता है? वो तो गुरु के द्वारा ही वो कार्य होता है। पर वो कालभूषण जी की आत्मकथा में पूरा संकेत, और वो यहाँ पर भी मानो सूत्र वही है। कालभूषण जी भगवान राम पर उनकी आस्था हो गई, उज्जैन चले गए, शंकर जी के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई, तो दीक्षा ले लिया, शंकर जी के मंत्र का जप करने लगे, लेकिन उनको शंकर जी के मंत्र जब से संतोष नहीं होता तब तक राम की कुछ निंदा करता है। बस वो जब भी अवसर मिलता है तो अर्जुन से बताया करते हैं कि राम तो भक्त है, मैं तो भक्त रख करके मेरा तो जन्म हुआ, मैं देख आया हूँ, कोई प्रभाव नहीं। गुरु जी ने सुन लिया, गुरु जी ने बुला करके कहा कि ये क्या करते हो तुम, जानते हो शिव और राम का परस्पर संबंध क्या है? तो तुम जानते नहीं हो कि भगवान
शंकर तो स्वयं श्री राम की भक्ति करते हैं। जितना बुरा लगा भूषण जी को, मैंने कहा भूषण को गुरु बनाएंगे, कहा मेरा एक अनंत भाव मुझे कहने लगे कि शंकर जी राम की पूजा करते हैं। हरि तब हर से हर सेवक गुरु कहो सुन खबरदार, और फिर वो गुरुदेव की बात का गुरुदेव की बात तो मन में चुप रहते थे, लेकिन यही लगता था कि ये इसका अभिप्राय इष्ट पर चुनाव हुआ। मेरे पर इष्ट वहां पर राम थे, गुरु पर अश्रद्धा हुई, और आज शंकर है और गुरु के रूप में अगर वर्ण किया तो गुरु के रूप में वर्ण करने के बाद आज गुरु पर ही अश्रद्धा हो गई कि हमारे इष्ट तो बहुत अच्छे हैं, पर गुरु जी किसी काम के नहीं। गुरु बदलना चाहिए इतनी उनको श्राप दिया, तो भगवान शंकर के द्वारा श्राप देने का अभिप्राय यह है तो तुमने अगर यही मान लिया कि वह ईश्वर जो बड़ा दयालु है जहाँ काल है, तो अब लोग अंधेर बनाए थे, अब निर्णय करो कि मैं दयालु भगवान हूं कि नहीं। मानो इस तरह से साधना पद्धति का रहस्य जो है जो जान दिया जिसने, उसके लिए बस ये निर्णय करना है कि हमारे यही देखते हुए ही पार्वती जी ने उन्होंने सुना, उन्होंने कहा पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं था, उन्होंने कहा महाराज आपने कह दिया तो उसका उससे निर्णय ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि शंकर जी अवगुरु के नाम और विष्णु भगवान गुरु के नाम, लेकिन मैं क्या करूं महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम पर जाकर मननम जाहि सर जय जय सर का। प्रियता जो होती है वो बुद्धि से नहीं होती है, मन से होती है, और मन से होती है तो मेरा मन अगर उनको देख करके उनको आकृष्ट है तो फिर आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना अवगुण सुन करके इतने गुणवान विष्णु और इतने अवगुणी शंकर, अब भक्ति की विशेषता ये होती है कि वो विरोध के लिए नहीं पर अपने पक्ष में वो मीठा कर ले, बड़े सावधानी की बात। और उन्होंने भी भक्तों का ये स्वभाव होता है, पार्वती जी ने कहा महाराज मैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई जब आपने कहा कि शंकर जी में 9 अवगुण है, तो बड़ा संतोष संतोष इस बात का हुआ। पर आज लोग तो बार बार स्त्रियों के लिए कह देते हैं अवगुण आठ सदावर रहे, तो यहाँ आठ अवगुण है और वहां 9 अवगुण है तो थोड़ी अच्छी रहेगी, और अवगुण भवन है तो अवगुण जो है वही तो जिस भवन में है उसी में रहेगा, अब गुणी विष्णु से हमें क्या लेना देना है, कहा गुण कहा अवगुण क्या लाभ होगा। मानो ये रस लेने का एक स्वभाव है जो भक्त लोग आनंद से आते लेते हैं, वो स्वामी जी किसी में दूसरे से दुनिया बन गए, तो वो कभी भक्त लोग किसी ने देख में कह दिया अरे कहा आप आए हैं आप जानते हैं हमारे कृष्ण तो 16 तरह के अवतार है, कई लोग इसी पर पड़े सोलह कला के श्री राम 12 कला के, तो मैं ये कहता हूँ कि तुमने कोई कला देखी भी है 16 से 12 तो देख के नहीं दिखाई दे, तो वो सभी जी किसी ने कह दिया कह रहे महाराज कहाँ आप राम को मानते हैं इसे कहते हैं राम तो महाराज कला के ही है श्री कृष्ण तो सोलह कला के, और वो सभी जी सुन करके ऐसे लगा कि वो चित तो विरोध करने वाले को थोड़ा लगा कि तुम राहुल ने किया कष्ट हो गया, चेतन ने किया महाराज आप बुरा मान गए बुरा नहीं मान गए, हम तो आपकी बात सुन करके आनंद में मूर्छित हो, क्या वे अब तक तो मैं श्री राम को मनुष्य समझ के प्रेम करता था, आपने तो 12 कला का अवतार बना दिया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, हमारा प्रेम तो और बढ़ गया। जो जगदीश तो अति भक्त और जो महीश संभा, अरे जगदीश है तो भी ठीक है और राजा है तो भी मेरा बड़ा भाग्य, तुलसी सात जन्म भरी राम चरण, तो मैं श्री राम कीजिए तो आपको कोई बड़ा तार्किक मिले, आपको सचमुच खंडन करके सिद्ध करके कि वो श्रेष्ठ है, इसीलिए देवर्षि नारायण ने भक्त सूत्र में कहा कि भक्त को तर्क के चक्कर में कभी नहीं पड़े।
क्योंकि तर्क जो है वो तर्क करने वाले की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, सत्य का परिचायक है। इसलिए मानो नवलंबा जो शरण कहते अवलंबन मत लो, और ठीक यही सूत्र यहाँ पर है। इसका अभिप्राय भक्त के पास तो अपने इष्ट देव के समर्थन के लिए प्रेम भरी युक्ति निकला, उसका आनंद लेता है। और वो भारती जी ने ऐसा कहा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया, उस समय जलश नारद नारद के साथ साथ पार्वती पर भी उन्होंने आक्षेप लगा दिया। जब तुम्हारी बात सुन के समझ में आ गया कि तुम्हें पहाड़ और पत्थर की बेटी, ऐसे ही तो बुद्धि हो, तो तुम तो जड़ की बेटी हो, तुम्हारी बुद्धि तो जड़ है। पार्वती जी ने उसका भी अच्छा अर्थ बता दिया। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप तो स्वयं जानते हैं कि मैं पत्थर की बेटी हूँ। आपने स्वयं कहा, तो बोले आप मुझे पत्थर की बेटी मानते हैं तो पत्थर की बेटी को भी उपदेश दिया जा सकता है क्या? तो अपने श्रोता का चुनाव आपने सही नहीं किया। और फिर उन्होंने व्याख्या किया, तो पत्थर के जैसे पहाड़ से ही सोना निकलता है, इसी प्रकार से कनकों पुनी प्रसारित होई जाए सहज परिहास होई। देखते नहीं है पहाड़ से सोना निकलता है तो जलाने पर भी उसकी चमक बढ़ती है। तो मेरी श्रद्धा, अगर मैं पहाड़ की पुत्री हूँ तो मेरी श्रद्धा स्वर्णमयी है, और वो तो किसी प्रतिकूल अग्नि से विरक्त नहीं होगी, वो तो और उसको उज्जवलता है। लेकिन सत्तर तो बड़ा समझ में आई हो। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान शंकर जो कहेंगे मैं मानूं, लेकिन त्वजो नारद कर उपदेश आप कहें सत मान रहे। शंकर जी भी सौ बार आकर के कहेंगे तो मैं नारद जी की बात मानूं, उनकी बात नहीं मानूं। क्या ये चित है क्या? मानो इसके अंतरंग में पार्वती जी का संकेत ये है कि मैं उनके उपदेश से ही भगवान शंकर को पति रूप में माना चाहती हूँ, उनके लिए साधना कर रही हूँ। तो जब शंकर जी कहेंगे कि उन्हें छोड़ दो तो उसका घुमा फिरा के अर्थ है कि मुझे छोड़ दो, तो वस्तुतः तो मुझे प्राप्ति होगी नारद जी के वाक्य से, नारद जी के मंत्र से प्राप्ति होगी। तो मैं शंकर जी भी कह रहे तो उनको मैं बड़ा भी मानूंगी, पर मंत्र और उपदेश तो मैं केवल गुरु का ही मानूंगी। और उसका अभिप्राय यह है कि किराया बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको किराए पर पहुंचना है, पर किराया महत्वपूर्ण होते हुए आप नाव पर बैठ कर ही यात्रा करेंगे, और नाव जो चलाएगा वो तो मल्लारी चलाएगा। और ऐसी स्थिति में किराए की अपेक्षा भी जब आप नौका में बैठे हैं तो चलाने वाले का महत्व होगा, चलने वाले ही आपको सही दिशा ले जाएगा। इसीलिए भगवान राम ने उपदेश देते हुए अयोध्यावासियों से कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो मानो एक नौका है बड़ा, और भगवान ये कहते हैं कि गुरु जो है वही मल्ला वही कर्णधार, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाव। बड़े महत्व के सूत्र है जिसका अभिप्राय कि नदी में नाव हो तो नाव होने मात्र से कोई व्यक्ति नाव पर आप बैठ गए तो बैठ जाने से ही क्या आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? वो तो लघु कथा आपने सुनी होगी कि भान के अभ्यस्त थे, कहीं जाना था तो सोचा दिन में धूप होकर रात को नाव में बैठेंगे और नाव खेते हुए पहुंच जाएंगे, धूप धूप नहीं लगेगी। रात को नाव में बैठ गए, रात भर नाव खेते रहे, जब प्रकाश हुआ तो देखते हैं कि वो तो जहां चले थे वहीं पर। सोचने लगे हुआ रात भर में नाव फेंकता रहा, किसी बुद्धिमान ने कहा वो लंगर तो तुझे उठाए नहीं, नाव में जीवन रखे नहीं रहो तो लंगर नहीं उठाए तो वहीं रहो। तो मानो संकेत ये है कि व्यक्ति जो है अगर वो व्यक्ति स्वयं नशे में है तो जीवन भर साधना भी करे अपनी मनमानी नहीं बजा सकते तो हमको सिर्फ नाव चलाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर नौका है और वो संसार सागर में थपेड़ों से बाहर, नागर नदी में नाव में कोई बल्ला नहीं है, तो जैसे जिस तौर की हवा बहेगी उधर नाव चली जाएगी, उस नाव का कोई चलती और बहती रहेगी पर कहीं पहुंचेगी। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, इस शरीर की नौका पर कर्णधार जो है तो गुरु है, कर्णधार
हमारे सदगुण दृढ़ ना हो। भगवान से पूछा गया कि महाराज आपकी भी कोई भूमिका है, तो भगवान ने कहा मेरी भूमिका है क्या, बोले न करो भव बारी का देर हो और सन्मुख मरु का अनुग्रह, ये जो मेरी कृपा है वही अनुकूल वायु, मानो भगवान स्पष्ट वायु जैसे प्रत्यक्ष से शरीर सामने नहीं आए, मल्लाह जो है कब वो मल्लाह जो है वो सामने, तो भगवान कहते मेरी कृपा वायु है, गुरु मल्लाह है और मनुष्य का शरीर जो है वही है, और इसके द्वारा भगवान ने दो संकेत दिए क्या, बोले मल्लाह योग तो वो अनुकूलता को तो लाभ ले जाए, हमारा आचरण है तो एक तो है कि हमारा अनुकूल चल रही है, आप जिधर जाना चाहते हैं उधर की ओर दिशा ले जा रही है तो सहायता मिल, लेकिन आप चल रहे हैं तो कभी कभी हवा प्रतिकूल भी हो जाए, तब क्या हो, प्रतिकूल हो जाए तो मल्लाह अगर शक्तिशाली होगा तो प्रतिकूल हवा नहीं ले जाए, ने संकेत किया गया कि ईश्वर की कृपा कृपा कभी कभी नहीं प्रतिकूल लगने लगती, तो प्रतिकूलता के वायु में भी जो जीव को आगे ले जा सकता है वो तो गुरु ही है, इसीलिए कहा गया कि राखे गुरु जो को विधाता पर गुरु विरोध नहीं को जब प्राथा, उसका अभिप्राय यह है कि भगवान मनुष्य संकेत करना चाहते हैं कि साधक को नाव में अगर वो तर्क वितर्क करने लगे तो तुम अलग तक पहुंचाएगा तो पहुंचेगा ही, पार्वती जी ने जो सूत्र दिया उस सूत्र का मूल अभिप्राय यही है कि हमारे लक्ष्य की उपलब्धि के लिए ये जो गुरु है कोई भी सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ही जाते हैं, तो हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात कब भगवान श्री राम वहीं पर शस्त्र भी धारण करते हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों गोस्वामी जी ने वर्णन किया, गुरु प्रिय पढ़ गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई, जाति सहज शास्त्र सुचारी सो हरि पढ़ यह पद बुधाई, और उसके बाद गोस्वामी जी ने कर तल पान ध्वस अज सोहा देख रूप चरा गया, शास्त्र और शस्त्र गुरु के आश्रम में भगवान उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसका अभिप्राय है कि शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान ही आवश्यक है, शस्त्र का उपयोग कैसे करें ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और तब बोले गुरुदेव के द्वारा नियंत्रित होकर कहा शास्त्र का उपयोग करें, शास्त्र के किस अंश का कहां उपयोग करें, शस्त्र का कहां उपयोग करें, इसलिए प्रेरक गुरुदेव है, शिक्षा और शस्त्र दोनों को भगवान श्री राम जब स्वयं गुरु के आश्रम में ग्रहण करते हैं तो मानो व्यक्ति को ये साधक और संकेत देना चाहते हैं कि जीवन में केवल किसी वस्तु को पालना ही यथेष्ट नहीं है, हम उसका सही सही दिशा में उपयोग तो कर सकें, और उसके बाद भी आप देखेंगे रामायण में भगवान राम की जितनी लीला होती है उस लीला का सूत्र मांगिए कि भगवान राम है पर तारकायत भी है, सुबाहु भी है, मरीच भी है, राक्षस भी है, ये गिनश्चर्य हुआ, और तो वहां पर फिर सूत्र आता कि महर्षि विश्वामित्र आते, और महर्षि विश्वामित्र को भी भगवान श्री राम ने गुरु के रूप में स्वीकार किया, मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि दुर्गुण दुर्विचार का नाश तब तक नहीं होगा जब तक कि गुरु विश्वामित्र नहीं मिले, गुरु मिले तब गुरु के रूप में कब वो जो राक्षसों के वध का कार्य होता है तब अपन अयोध्या से चल पड़ते दर करने के लिए, ऐसा तो नहीं पड़ता, कब भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ ही जाते, और पूरे क्रम में वही जो बात है कि वैद्य निर्णय करता है कि किसके लिए कौन दवा दी जाए, किसकी क्या प्रगति है, और आप किस यात्रा में पावेंगे, फिर उसे किसी ने पूछा महाराज आपका न्याय को समझ में नहीं आया, आपके साथ में दो नारी पात्र आए, एक तो तारका आई और दूसरी अहिल्या आई, दोनों में दोष न्याय नहीं हुआ,
पर भगवान ने आपने कहा देखे ना, गुरु जी ने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। तारका पृथ्वी प्रभु के बाहर सत्तर नहीं चलाया, जब तक गुरुदेव ने कहा चले जा तो गुरु जी ने दिखाई तो इन तारका क्रोध कर जाए। और भगवान राम को गुरु विश्वास संकेत करते हैं राधा कवर पर, और तब तारका का वध कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो भी, तो मैंने वैसा कर दिया। फिर आपने कर दिया कि तो गुरु जी का विवेक है। और सूत्र ये है कि अगर दो रोगी जाए वैद्य के पास और रोगी एक को कड़वी दवा दे और दूसरे को मीठी दे, और अगर वो ये कहे कि गुरुजी तो बड़े बुरे वैद्य है उसको क्या मीठी दवा दे दिया, कह दिया कि पुरुषार्थ ने इसको दवा को जो गुरु जी की हो इतनी मीठी दवा, और मुझे कह दिया कि गुरु जी की सत्य में हो इतनी बस कड़वी वस्तु ले लिया। तो वो जो व्यवहार वैद्य का होता है वो रोगी की प्रकृति को देख के होता है, रोग को देख के होता है। इसको कड़वी दवा से लाभ होगा उसको कड़वी दवा देगा, इसको मीठी दवा से लाभ होगा उसको मीठी दवा देगा। वैद्य जो है वो दवा में सब नहीं होता, वैद्य परिणाम में सब होता है। क्या वैद्य की दवा एक जैसी है, पत्र भी एक जैसा है, पर वैद्य चाहता है कि दोनों स्वस्थ स्वस्थ एक कड़वी दवा दो कड़वी दवा दो। जब अगर कह दिया जाए डॉक्टर कह देखे नहीं है तो बिना शल्य चिकित्सा के बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो, तो उसका अभिप्राय है कि सबका उद्देश्य जो है वो रोगी को स्वस्थ बनाना है। उसमें कोई अगर माने की अगर सबका है तो सबको मीठी दवा दे सबको एक जैसी बात कहे तो वो बात नहीं। जब किसी ने कहा कि आप गुरु जी को बड़े अध्यायी बोले देखो गुरु जी ने दवा तो एक को मीठी ले दिया अहल्या को, और लगता है कि तारका को उन्होंने बड़ी कड़वी दवा के अस्त्र चलाने का आदेश दिया। पर कहा हमारे गुरुदेव कितने महान है कि दोनों को परिणाम एक ही ले लिया। क्या बोले एक ही बार प्राण हद लीना पर फल क्या मिला, को भी मेरा पद मिला और अहल्या को भी मेरा पद मिला, पद जो मिला उस पर डालो दवा के कड़वे पर करना। और गुरु जी ने इसलिए किया, एक की प्रवृत्ति राक्षसी थी और दूसरी की प्रवृत्ति राक्षसी कोई प्रकृति का है। वैद्य ने निर्णय किया मानो समझ गए कल जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसका भी कल्याण, और जो देव प्रकृति का है उसके जीवन में भी कोई रोग आ सकता है पर उसके कल्याण का इसका निर्णय करना इसकी भूमिका मानव गुरु की है। यही वैद्य है वो निर्णय करते हैं कि नहीं तारका के लिए यह आवश्यकता है उसका और ज्यादा और गंभीर है। तारका दुराशा है और दुराशा जो है उसको तो नष्ट करना ही है, क्योंकि दुराशा रहते हुए मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख नहीं हो सकती है, सहो नहीं सकता। आशा से ही सुख मिलता है और दुराशा अगर हो जाए तो करे कुछ नहीं और बस और बड़ी से बड़ी, और उस आशा की पूर्ति के लिए इसलिए दुराशा को मिटाना। पर वो अहल्या के जीवन में जो काम की वृत्ति है काम की वृत्ति को जोड़ना है तो उसको मिटाना नहीं है, उसको अनुराग की दिशा में ले जाना है। इन दोनों की प्रकृति में जो भिन्नता है उन दोनों की भिन्नता से गुरुदेव ने अलग दवा की व्यवस्था किया और भगवान ने वही दवा जैसी बात कह दिया वैसे कर दिया। यहाँ कह दिया चला दो बाण बाण चला दिया चरणों को रखकर दूसरे देता है वही कर दिया, और बोध गए जनकपुर में बैठे हुए धनुष नहीं टूट रहा है अंधकार का निराश नहीं हो रहा है। और तब भगवान राम बिल्कुल नहीं उठे, क्यों नहीं उठे बोले वो दवा तो तब हो जब गुरु जी कले आदेश तो और इतने अंदर वो स्वामी जी द्वारा अंत में भगवान राम से गुरुदेव आज्ञा देते हैं उठो राम हम जब हो चाहते मैं तब चाहते जनक परिता तू तो बदल दिया। अभी तक जनक के बंदी कह रहे थे जो धन छोड़ेगा उसे कीर्ति मिलेगी उसे सीता मिलेगी, लोभ के द्वारा ईश्वर को वशीभूत किया जा सकता है क्या, उसे आकर्षण कर सकता है क्या, इसलिए वही भगवान राम भविष्य वही सब कुछ वही है।
लेकिन गुरुदेव ने भगवान राम से कहा उठो गर्व छोड़ो सीता जी को पाने के लिए। गुरु जी मैंने ही मना कर रहे सीता जी को इन्हें पाना है क्या, वो अभिन्न उनकी शक्ति है ही कैसे पा रहे, भगवान को पाना नहीं है इसलिए वो नहीं उठ रहे। लेकिन उनका नारे हाथ का उठना आवश्यक सीता जी को पाने के लिए नहीं, तब मेरे साथ जन जैसा ज्ञानी इतना संताप में पड़ा हुआ है और इसलिए धनुष के द्वारा जो अंधकार पैदा हुआ है उस अंधकार बड़ा सुंदर शब्द है बोले धनुष तोड़ करके सीता जी को पाल नहीं, तब बोले अंधकार धनुष के अंधकार को मिटा है। उसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार में जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देने लगी, सूर्य निकलने से वस्तु थोड़ी बदल जाती। जनक का संकेत यह था कि तुम्हारा विवाह तो हो ही है पर धनुष के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधेरा दूर कर दो लोगों को दिखाई तो देने लगे। और इसलिए जो संत आदेश देता है वो जो सदगुरु उसके वचनों पर विश्वास और जब भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो मानो संकेत यह है कि अगर हम अपने अंतर जीवन के दोषों का निराकरण करना चाहते हैं तो हमें सदगुरु के द्वारा जो संकेत प्राप्त हो उसके अनुकूल उस पर विश्वास करके जब हम साधना के पथ पर चलते हैं तो हमारे मन में दोष होते हैं। आज इतना।